कक्षा 6 इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये लाल रेखा और ये लाल रेखा आपस में समांतर रेखाएं हैं, तल में इन्हें चाहे जितनी दूर तक ले जाया जाए ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे इन दो समांतर रेखाओं को हरे रंग से तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा कहलाती है। इसके बाद हम संगत कोणों पर चर्चा करेंगे। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं, जैसे इसमें कलर से दिखाया गया है, ये और ये कोण दोनों संगत कोण हैं। ये हरा रंग का कोण और ये कोण संगत कोण है, ये नीला और ये कोण दोनों संगत कोण है, ये काले रंग से दिखाया गया कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण हैं। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के विपरीत कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। सबसे पहले ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जितना क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये अंतः क्षेत्र तथा ये बाहर का क्षेत्र है, बाह्य क्षेत्र, ये क्षेत्र बाह्य क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर तिर्यक रेखा पर विपरीत कटान बिंदुओं पर, जैसे ये काले रंग से और ये काले रंग से, ये दोनों एकांतर कोण हैं। ये लाल रंग से दिखाया गया और ये लाल रंग से दिखाया गया, दोनों अंतः क्षेत्र में हैं, ये कटान बिंदुओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं।